जी बिल्कुल, इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत की सबसे अहम जो खबर है या जो सबसे अहम हलचल जो मुशावर चल रही है, वो अहम अस्करी जो तकर्रियां होने जा रही है उनके हवाले से है। पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान शख्सियात की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी रावलपिंडी में एक अहम शख्सियत से दो सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है। इसके बाद रात मुस्लिम नून के एक तीन वज़रा ने साबिक से मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। आज सुबह जो है मौलाना फजल रहमान नवाज शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है उनसे मिले। इसके अलावा जो है चेयरमैन थैरन ने सदर से मुलाकात की और साथ और जो इसके अलावा इसहाक डार जो है वो इबानी सदर में गए, उन्होंने प्रेसिडेंट से मुलाकात की और ये मुशावरा सिलसिला जारी है। जबकि रावलपिंडी से एक अहम शख्सियत जो है वो भी आज हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंची वज़ीर आज़म हाउस और वहां पर भी एक अहम मुलाकात हुई। इसके अलावा जो इत्तेहादी है पीडीएम के तीनों बड़ी तरह जमातों के जो सरबराहान हैं उनकी आपस में मुशावरत मुसलसल जारी है और ये सिलसिला जो है बिल्कुल अपने आखिरी मराहल में आप कह सकते हैं। आइंदा तीन से चार रोज में कहा जा रहा है कि ये तैनाती हो जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जो राबते हैं वो जारी हैं और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग के रहबर है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो भी राबतों में है अपने तमाम जो लीडर हैं पीडीएम के उनके साथ, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के अलावा वो जो आसफ अली जरदारी और मुल्ला फजल रहमान के साथ राबते में है और मुसलसल अपने वज़रा को भी तीन जो मुतवद्दीन खास है उनके सरदार याद सादक ख्वाजा साद रफीक और इसहाक डार उनके जरिए जो है वो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राबते में है, अस्करी रहनुमाओं से राबते में है, सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात हो रही है। इससे पहले इस्लामाबाद में हलचल देखी जा रही है, इस पर हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया आपने बताया।